जब उस एक्ने को टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता और उसको गलत करीमों और गलत दवाइयों और तजर्बात के साथ उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, तो उस सूरत में दो मसाइल पैदा होते हैं। या तो जब वो एक्ने ठीक होगी तो वो पिगमेंट छोड़ जाएगी, निशानात छोड़ जाएगी, उसको ठीक करने के लिए भी फिर ज़ाहिर है डॉक्टर के पास आना पड़ता है। दूसरी सूरत यह है कि वो एक्नी जब ख़त्म होगी, ख़ुद से हील करेगी, तो वो पीछे निशान जो छोड़ेगी वो गड़ों की सूरत में होगी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर शम्सुन्निसा अलवी है, मैं क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्नी और एक्नी स्कार्स। ये हमारा अमराज जल्द का इंतहाई एक कॉमन मसला है और इसको चूज़ करने की जो मेरी रीज़न है वो ये कि इसकी वजह से ख़वातीन और टीनेजर बच्चियाँ बहुत सारे ज़हनी अमराज में मुब्तला हो जाती हैं। लड़कियों की मैरिटल लाइफ एक्नी स्कार्स और एक्नी की वजह से डिस्टर्ब होती है। टीन एज बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं, उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है और उनको ज़हनी अमराज का सामना करना पड़ता है। इस वजह से मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं एक्नी टीन एज ग्रुप में तो होती है, उसके अलावा बड़ों में एक्नी की भी बहुत सारी वजूहात हैं। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, क्रीमों की फार्मूला क्रीम्स के इस्तेमाल की वजह से और कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल की वजह से एक्नी हो जाती है। अब जब उस एक्नी को टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता और उसको गलत करीमों और गलत दवाइयों और तजर्बात के साथ उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, तो उस सूरत में दो मसाइल पैदा होते हैं। या तो जब वो एक्नी ठीक होगी तो वो पिगमेंट छोड़ जाएगी, निशानात छोड़ जाएगी, उसको ठीक करने के लिए भी फिर ज़ाहिर है डॉक्टर के पास आना पड़ता है। दूसरी सूरत यह है कि वो एक्नी जब ख़त्म होगी, ख़ुद से हील करेगी, तो वो पीछे निशान जो छोड़ेगी वो गड़ों की सूरत में होगी। जब गड़े बढ़ जाते हैं जिल्द में तो उनको किसी दवाई के साथ, खाने की दवाई या लगाने की दवाई के साथ ठीक करना पॉसिबल नहीं है। उस सूरत में आपको प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब जब आपने उसको ट्रीट नहीं किया टाइमली, तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक तो जब आपको एक्नी हो तो बराए मेहरबानी उसको आप डॉक्टर के मशवरे के बाद उसकी ट्रीटमेंट करें, क्योंकि जितना अर्ली आप उसको ट्रीट करेंगे उतने ही कम चांसेस होंगे उसके निशानात रहने के और गड़े पड़ने के। अब जब गड़े पड़ गए हैं तो उसके पास, हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। उनमें एक्नी के जो स्कार्स हैं उनके टाइप के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसीजर सूटेबल है। अब एक्नी स्कार्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जिसमें आइस पिक स्कार्स, रोलिंग स्कार्स, बॉक्स स्कार्स। आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपके स्कार्स की नोयत के हिसाब से डिसाइड करता है कि उसने किस प्रोसीजर के ज़रिए उसको ट्रीट करना है। अब इन प्रोसीजर्स में अगर हम वन बाय वन चलें तो हम मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर से इन्वेसिव की तरफ जाते हैं। मिनिमली इन्वेसिव क्या, जिसमें कम से कम प्रोसीजर किया जाए और फ़ायदा भी पहुंच जाए। हायर पे जब हम जाने लगते हैं तो उसका एंड लेज़र्स पे जाके होता है। इसमें हमारे पास पहले नंबर पे जो ऑप्शन मौजूद है वो है केमिकल पील, TCA पील के नाम से भी उसको जाना जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है माइक्रोनीडलिंग, विद और विदाउट PRP। तीसरे नंबर पे हमारे पास एक्नी के स्कार्स को ट्रीट करने के लिए जो ऑप्शन मौजूद है वो है सब्सीजन। और चौथे नंबर पे हम आते हैं लेज़र। लेज़र्स में हमारे पास CO2 लेज़र की इसमें फैसिलिटी अवेलेबल होती है, उसके ज़रिए इसको ट्रीट किया जाता है। अब बात यह है कि जब आपको ट्रीट किया जाता है तो आप उसमें अनरियलिस्टिक अप्रोच मत रखें कि एक ही सेशन के साथ, एक ही ट्रीटमेंट के सेशन के साथ आप 100% इम्प्रूव कर जाएंगे। ये चीज़ जहन में रखें कि ये नेचुरल हीलिंग प्रोसेस के ज़रिए आपकी स्किन को हील किया जाता है। इन तमाम प्रोसीजर्स के ज़रिए हम स्किन को हीलिंग टाइम देते हैं हर प्रोसीजर के बाद, एक महीने का। एक एक महीने के वक्फे से हो सकता है 2 सेशंस, 3 या 4 सेशंस में आपकी स्किन इम्प्रूव करें। इसलिए जब भी आपका एक्नी स्कार्स या एक्नी को ट्रीट करें तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से की राय के बाद, उससे मुशावरत के बाद प्रोसीजर को डिसाइड करें। ख़ुद से मत डिसाइड करें कि मैंने फ़लां प्रोसीजर कराना है। आपका डॉक्टर आपके स्कार के टाइप के मुताबिक आपका प्रोसीजर डिसाइड करेगा।
और दूसरी बात ये कि हर प्रोसीजर के बाद सब्र के साथ उसके रिज़ल्ट का वेट करें, उसको हील होने दें और फिर नेक्स्ट सेशन लें। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि कभी भी एक्नी को आप लाइट मत लें, क्योंकि इसके स्कार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का बाइस बनते हैं। शुक्रिया।